हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि मैं किस तरह से अपने यूट्यूब लेक्चर्स के लिए वीडियो को शूट करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर जब मैं अपना सेटअप लगाता हूं तो यहां पर बस मेरा एक वाइट पेज नज़र आता है और जब मैं लिखता हूँ तो मेरा हाथ आपको नज़र आता है। इसके लिए जो मेरा सेटअप है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है और एक्स्ट्रा आपके पास कोई भी गैजेट्स नहीं है, जैसे कि ट्राइपॉड नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है, तब आप बेसिक से सेटअप के साथ अपना यूट्यूब लेक्चर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं पेज पर कुछ भी चीज़ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आज की हेडिंग डालता हूँ हाउ आई शूट माई लेक्चर वीडियोस, तो यहाँ पर आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप अपना एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे क्रिएट करते हैं या एजुकेशनल वीडियो आप अगर बना रहे हैं तो आपको तीन बातों पर ध्यान देना है। फर्स्ट ये है कि जो आपका कंटेंट है, कंटेंट में आप क्वालिटी प्रोवाइड कीजिए, मीन्स जो भी आप टॉपिक यहाँ पे बता रहे हैं उस टॉपिक को आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। सेकेंड थिंग होता है वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी से हमारा मतलब है कि यदि आप कोई भी चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो आपके व्यूअर्स को वो आसानी से समझ में आए, तो वीडियो क्वालिटी आप अच्छे रखिएगा। अच्छे रखने के लिए आपको यहाँ पर एक तो आपका राइटिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी राइटिंग थोड़ी यहाँ पर साफ सुथरी आए, कैमरे का फोकस सही हो और साथ ही साथ यहाँ पर जो लाइटिंग है, लाइटिंग आपकी यहाँ पर सही होनी चाहिए। इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी लाइट किस तरह से यहाँ पे लगाई हुई है। और थर्ड होता है साउंड क्वालिटी। यदि आपके व्यूअर्स को आपका साउंड ठीक से नहीं सुनाई देगा या फिर बैकग्राउंड का साउंड कुछ ज़्यादा ही सुनाई देगा तो वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे और आपके वीडियो में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इन तीन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो अब हम देखते हैं कि मेरा सेटअप किस तरह से है और मैं किस तरह से इन चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। पहला जो पॉइंट है कंटेंट क्वालिटी, इसके लिए तो आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आपको स्टडी करना रहेगा, तो ये तो आपके ऊपर है। अब बात करते हैं हम वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के बारे में। इसके लिए मैं आपको अपना सेटअप बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं मेरा सेटअप। सेटअप के लिए सबसे पहले मैंने लिए एक टेबल और यहाँ पर लाइटिंग के लिए मैंने सामने जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसमें लगाया हुआ एक 16 वाट का एलईडी बल्ब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है जिसकी जो रोशनी है वो सफिशियंट है मेरे यूट्यूब लेक्चर्स के लिए। और अब इस टेबल पर मैं एक वाइट शीट लगा देता हूँ। टेबल के ऊपर हम लगा देते हैं एक वाइट शीट, इससे हमारा जो बैकग्राउंड रहता है वो सही दिखता है और जब हम पेपर पर लिखते हैं तो लिखने में भी आसानी रहती है। इसके बाद मोबाइल का जो मैं स्टैंड बनाता हूँ, स्टैंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बॉक्सेस का यूज़ किया हुआ है। इनकी जगह आपके पास अगर मोटी मोटी किताबें हैं तो आप किताबों का एक सेट यहाँ पर बना सकते हैं। मेरे पास किताबें भी हैं लेकिन मैंने यहाँ पर दो बॉक्सेस का यूज़ किया हुआ है, तो इन बॉक्सेस को मैं यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। ओके फ्रेंड, अब इसके बाद जिस पेज पर भी आपको अपना कंटेंट शो करना है उस पेज को आप यहाँ पे रखिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से टेबल के ऊपर मैंने अपना पेज रखा हुआ है जिस पेज पर मैं लेक्चर्स तैयार करता हूँ। अब इसके ऊपर हम रखते हैं हमारा मोबाइल और मोबाइल को यहाँ पर सेट करने के लिए इसके ऊपर रखते हैं हम एक और वेट वाली किताब। इसमें थोड़ा वजन होना चाहिए जिससे कि आपका मोबाइल यहाँ पर सेट हो जाए और वो नीचे ना गिरे। यहाँ पर आप देखिए हम वीडियो ऑन करते हैं और यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है। यहाँ पर आप अपना पेज सेट कर सकते हैं और इन बॉक्सेस की मदद से आप आगे पीछे करके अपना पेज पूरा के पूरा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपका पेज पूरा दिख रहा है और यहाँ पर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो पूरा के पूरा यहाँ पे दिखाई देगा।
तो इस तरह से ये अब आपको आप मेरा सेटअप दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये मेरा पेज है और ये मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर ये पूरा कवर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर स्टॉप की बटन होती है। यदि आपको कई बार लेक्चर्स को बीच में रोकना है तो आप स्टॉप पर प्रेस कर सकते हैं। यदि आप इसको पूरा कवर कर देंगे तो आप बीच में स्टॉप करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप थोड़ा सा ही इसको कवर करें जिससे कि आपकी जो स्टॉप और प्ले की जो बटन रहती है वो यहाँ पर डिस्प्ले होती रहे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बेसिक सा सेटअप जिसमें ना तो आपको ट्राईपोड की आवश्यकता है और ना ही माइक्रोफोन की। आप अपने मोबाइल से, और यदि आपको साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप अपने मोबाइल में यहाँ पर हेडफोन लगाकर साउंड को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइटिंग के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक 16 वाट का बल्ब लगाया हुआ है। यदि आपको यहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है तो आप साइड में आप थोड़ा अरेंज कर लीजिए और एक बल्ब और लगा सकते हैं जिससे कि आपको लाइट सफिशियंट मिले। ध्यान रखिए दोस्तों, आपके वीडियो में लाइटिंग सफिशियंट होनी चाहिए। दोस्तों, लेक्चर वीडियोस बनाते समय आपको लाइटिंग पर ध्यान देना है। इसके लिए जो भी आपके रूम में एक लाइट लगा हुआ है उसके अलावा जहाँ पर आप लेक्चर वीडियोस बना रहे हैं उसके ऊपर आप एक 16 वाट का बल्ब यहाँ पे लगा लीजिए। 16 वाट से ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं लेकिन आप ये देखिएगा कि उसकी रोशनी कितनी है। मैंने यहाँ पर जो बल्ब लगाया हुआ है वो 16 वाट का बल्ब लगाया हुआ है और इससे मुझे सफिशियंट रोशनी यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा जब आप रिकॉर्डिंग करें तब मोबाइल का फ्लैश लाइट भी ऑन रखें जिससे कि आपका जो पेज है वो ब्राइट नज़र आएगा और यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो कंटेंट आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बेसिक सा सेटअप जिससे मैं अपने YouTube लेक्चर्स के लिए वीडियो तैयार करता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, अब मेरा पूरा सेटअप मैं आपको एक बार और बता देता हूँ फाइनली। और ये वो चेयर है जहाँ पर मैं बैठ के अपना वीडियो तैयार करता हूँ। तो दोस्तों, मेरा सेटअप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो को किस तरह से एडिट करता हूँ, उसके लिए कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के जो मैंने सेटअप बताया है उन लोगों के लिए बताया है जो कि अपने एजुकेशनल यूट्यूब लेक्चर्स बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास बेसिक में कोई स्टार्टअप नहीं है। तो ना तो वो ट्राईपोड ले पा रहे हैं और ना ही अच्छे माइक्रोफोन्स ले पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बेसिक सा सेटअप है जिसका वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका कंटेंट है। आपको कंटेंट पर ही ध्यान देना है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ आप वीडियो और साउंड क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन यदि आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो वीडियो और साउंड क्वालिटी आप कितनी ही अच्छी रखें, व्यूअर्स आपके वीडियो को या फिर आपका जो कंटेंट है उसको पसंद नहीं करेंगे। तो आप कंटेंट पर फोकस करें, कंटेंट अच्छा रखें और उसके साथ साथ आप वीडियो और साउंड क्वालिटी को भी अच्छा रखें। इसके लिए मैंने आपको ये सेटअप बताया है। तो दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।